नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। मेरे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि AGTA की वैकेंसी बहुत ही जल्द आएंगी और जैसे ही पेट का पेपर खत्म होगा इसके तुरंत बाद इस पे काम चालू होगा। और नवंबर, जैसा कि आपको पता है, खुद जो है वहां से पता चला है कि 15 नवंबर के पहले पहले आपका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। इसमें वैकेंसी भी बढ़ने की पूरी संभावना है, 400 प्लस पद जो है बिल्कुल बढ़ने की संभावना है। तो बहुत सारे बच्चे जो है फोन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं, सर अगर वैकेंसी बढ़ती है तो पेट की कट ऑफ क्या होगी। तो देखो, अगर वैकेंसी बढ़ती है तो पेट की कट ऑफ क्या होगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपको सही कट ऑफ जो है की ओर जो है लेके मैं चलूंगा। देख लीजिए, देखिए AGTA में जो 3446 है मेरे बच्चों, 3446 पद जो है, अगर 400 प्लस वैकेंसी इसमें बढ़ती है, बढ़ने की प्रबल संभावना है मेरे बच्चों, बिल्कुल प्रबल संभावना है, तो 3846 लगभग 3900 पद जो है मेरे बच्चों हो जाएंगे AGTA में, जो कि बहुत ही सुनहरा अवसर होगा मेरे बच्चों। ध्यान रखना, इसमें 3900 × 30 गुना बच्चे बुलाया जाता है, 117,000 बच्चे हुए हैं। अगर इतने पद हो गए 3900, अगर 3900 पद हो गए, 400 पद बढ़ गए, उस हिसाब से मेरे बच्चों 117,000 जो है टोटल जो है बच्चे बैठेंगे। लेकिन ये 117,000 मेरे जो बच्चों, ये जो 117,000 बच्चे हैं, ये है ही नहीं एग्रीकल्चर में, अभी इतना जो है रेशियो जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये बहुत जो है 30 गुना बुलाएंगे तो बहुत हो जाएंगे, इतने बच्चे एग्रीकल्चर में नहीं है। ठीक है, बच्चे 1 लाख से कम ही होंगे, 1 लाख से कम ही होंगे, इतना आप जान लीजिए। और ये 2022 पेट की कट ऑफ से जो है वैकेंसी भरी जाएंगी, ये भी आपको पता है, बिल्कुल कंफर्म है। तो 2022 पेट की कट ऑफ जो उसके अनुसार भरी जाएंगी, उसके अनुसार देखिए यहां पर पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी 2022 में। देखिए, जो जनरल है, जनरल 10 प्लस जो है नंबर होने चाहिए, अभी मैं कारण बताऊंगा। देखिए, ये मिनिमम जो है मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पहले इस पे जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान देना, उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। क्या जनरल 10 प्लस होने चाहिए, ओबीसी 10 प्लस होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस 10 प्लस होने चाहिए, और एससी एसटी फीमेल, ऑल फीमेल यहां पर हम कहेंगे, और पीएच, अगर इन्होंने परीक्षा दी है और एग्जाम में +1 नंबर है तो वो सारे लोग AGTA का पेपर दे सकेंगे, AGTA के मेन पेपर में जो है मेरे बच्चों बैठ सकेंगे, और आराम से जो है बैठकर अच्छी मेहनत करके एक अच्छी नौकरी भी आप लोग ले सकेंगे, कन्फर्म है मेरे बच्चों, इतना आप लोग ध्यान करिए। ठीक है, अब देखिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 10 प्लस 10 प्लस, बाकी सारे लोग +1 +1 +1 +1, ऑल कैटेगरी जो यहां पर लिखी गई है, अगर +1 आप 2022 पेट में है तो आप आराम से जो है मेरे बच्चों कैटेगरी जो है परीक्षा जो होगी AGTA की उसमें बैठ सकेंगे। ये जो है 3900 पद हुए तब की बात है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10 प्लस होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 प्लस होने चाहिए, और इससे कम ही जा सकती है, इससे अधिक नहीं जाएगी, तो 10 प्लस से कम भी जा सकती है, अधिक नहीं जाएगी अगर पद बढ़ते हैं तो। ठीक है, अब अगर पद नहीं बढ़ते हैं, 3446 रहते हैं, अगर पद नहीं बढ़ते हैं, 3446 ही रहते हैं, उस पर्पस में मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर जो है आपको 20 20 20 प्लस होना चाहिए, 20 20 20 प्लस होना चाहिए अगर पद नहीं बढ़ेंगे तब, और बढ़ गए तो 10 से कम ही जो है कट ऑफ AGTA की जाएगी अगर पद बढ़ गए मेरे बच्चों। ठीक है, बस इतनी जानकारी थी। बहुत बच्चे फोन कर रहे थे कि सर जरूर इस पे एक वीडियो बना दो, इसलिए हम इस पे वीडियो बना दिए, और वैकेंसी जरूर आएंगी 2022 पेट से ही आएंगी, मेहनत करके पढ़ते रहो, नौकरी लेना है, जीवन में कुछ करना है तो आपको मेहनत करते ही रहना पड़ेगा, और वैकेंसी आपकी आएंगी, पेट के तुरंत बाद इस पे कार्य चालू हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पेट AGTA से संबंधित सारे वीडियो, सारे जो है जानकारी यहां से प्रोवाइड की जाती हैं। और हाँ, लाइक इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, देखते हैं
कितने ज्यादा आप लोग जो है इस वीडियो को पसंद करते हैं, कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए मेरे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।